नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों ट्रेड्स मैनेजमेंट का, दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों ITI लेवल पर वैकेंसी है, तो इन सभी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल देखने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग कि ट्रेड्स मैनेजमेंट का यहाँ पर जो है दोस्तों ये आपका ग्रुप सी का पोस्ट है, नॉन ग्रेजुएटेड इंडस्ट्रियल। यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका पे लेवल है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 18,000 से लेकर 56,900 तक है। ठीक, अब ट्रेड मैनेजमेंट का यहाँ पर दोस्तों ये पोस्ट है हमारा। कैटेगरी वाइज और ब्रेकडाउन ऑफ वैकेंसीज के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी का दोस्तों 43 सीट अवेलेबल है। OBC का दोस्तों यहाँ पर 32 सीट है। SSC वालों के लिए 18 सीट है। ST वालों के लिए 8 सीट है। EWS वालों के लिए 11 सीट है। टोटल मिला के दोस्तों यहाँ पर 112 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है। एक्स सर्विस मैन वालों के लिए 11 सीट है। बाकी यहाँ पर PWD कैंडिडेट वालों के लिए यहाँ पर 4 सीट टोटल अवेलेबल है। ठीक, तो बाकी यहाँ पर ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप लोग देख सकते हैं। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, इसमें ITI के जो 52 ट्रेड हैं, तो ये सभी लोग मतलब फॉर्म भर सकते हैं। तो 52 ट्रेड के जो भी ITI में ट्रेड हैं, तो सभी 52 के 52 ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से 52 ट्रेड हैं वो। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अबव द मेंशन पोस्ट, द लिस्ट ऑफ एलिजिबल ट्रेड्स इज मेंशन एट द पैरा 16 बिलो। तो पेज नंबर 16 पर यहाँ पर दिया गया है जो 52 ITI ट्रेड हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप अपना चेक कर सकते हैं। बाकी एज जो होना चाहिए दोस्तों 18 से 25 साल के बीच में आपको एज होना चाहिए। ठीक, और एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर नीचे बताया गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन कहा गया है दोस्तों, कक्षा 10 पास होना चाहिए। ठीक, किसी भी बोर्ड से, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रिलीवेंट ट्रेड, तो ITI का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, तो कौन कौन से ट्रेड है अभी हम लोग बात करेंगे। नेचर ऑफ ड्यूटीज और जॉब प्रोफाइल के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है नीचे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक, एज रिलैक्सेशन दोस्तों यहाँ पर देखिए, एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। SC ST वालों को 5 साल का छूट मिल जाएगा, OBC को 3 साल का। PWD कैंडिडेट हैं तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 10 साल का छूट, OBC हैं तो 13 साल का, SC ST हैं तो 15 साल का छूट मिल जाएगा। बाकी आप एक्स सर्विस मैन है तो 3 साल का छूट मिलेगा। बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट वालों को यहाँ पर देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन करें, वेयर द नंबर ऑफ एप्लीकेशन है रिसीव्ड आर टू लार्जर फॉर द पोस्ट ऑफ मेट्रिकुलेशन एज ए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया इन द प्रपोर्शन टू द वैकेंसीज एंड इट इज नॉट कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर द डिपार्टमेंट है। तो ये कुछ खास नहीं है, तो मतलब जो मेरिट आप रहेगा उसका जो रेशियो रहेगा 1:25 में शॉर्ट लिस्टिंग ये लोग करेंगे। और यहाँ पर बताया गया कि आपको जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसका जो दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि ऑल शॉर्ट लिस्टेड या एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन रिटर्न एग्जामिनेशन, जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कराया जाएगा। ठीक, उसमें आपको 4 ऑप्शनल रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। ठीक, और देखिए यहाँ पर आपका जो ये रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, टोटल मिला के आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, और यहाँ पर सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या आएगा, जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन में क्या आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एबिलिटी में क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि एग्जैक्ट डेट टाइम और वेन्यू जो होगा एग्जामिनेशन का, यह आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल ID पर बताया जाएगा। और जो एडमिट कार्ड होगा दोस्तों www.andaman.gov.in से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सब जो कुछ भी डिटेल है एग्जामिनेशन सेंटर देखिए इसके बारे में बताया गया कि द रिटन एग्जाम फॉर ट्रेड्स मैनेजमेंट विल बी कंडक्टेड इन पोर्ट ब्लेयर, तो आपका दोस्तों जो एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा पोर्ट ब्लेयर में आपका एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा। नो अदर सेंटर विल बी अलॉटेड टू एनी कैंडिडेट, तो सिर्फ और सिर्फ पोर्ट ब्लेयर में रहेगा, बाकी और कहीं नहीं रहेगा। रिक्वेस्टेड फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर डेट सेशन विल नॉट बी इंटर्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। बाकी दोस्तों आपका जो पोर्ट ब्लेयर में होगा आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो उस पर बताया जाएगा कि पोर्ट ब्लेयर में कहाँ पर आपका एग्जाम कराया जाएगा। 29 जुलाई 2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट है, 29 अगस्त 2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड ड्यूटी स्टेशन यहाँ पर बताया गया दोस्तों, तो हेडक्वार्टर अंडमान और निकोबार कमांड में आपका होगा। ठीक, पोस्टिंग और ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप अपना देख सकते हैं।
रिक्रूट अप्लाई करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है अंडमान निकोबार का, उस पर जाके आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, एडमिट कार्ड इज टू बी ब्रॉट टू द रिटन एग्जामिनेशन वेन्यू बाय ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, फिलिंग व्हिच कैंडिडेट विल नॉट बी अलॉटेड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप अपना चेक कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि 20 से 50 के बीच में आपको फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर 10 से 20 के बीच में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब 10 से 20 के बीच में होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट 50 से 200 के बीच में होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कक्षा 10 की मार्कशीट लगा सकते हैं, और ये सब जो कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सब जो एक्स सर्विस मैन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ये सब जो डॉक्यूमेंट हैं ये आपका 50 से 200 के बीच में सभी होना चाहिए। तो इसके बारे में हो गया। बाकी यहाँ पर जो भी एलिजिबल, अब देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं। तो इसके बारे में अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बताया गया है कि लिस्ट ऑफ ट्रेड्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ITI, जो भी ट्रेड एलिजिबल हैं देख सकते हैं यहाँ पर, कारपेंटर वाले हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस, कंप्यूटर कोपा वाले हैं, कोपा वाले भी हैं, इलेक्ट्रीशियन 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 जो भी हैं, इलेक्ट्रीशियन के जितने भी ब्रांच हैं, फिटर का है, फाउंड्री मैन और इंडस्ट्रियल पेंटर, फिर IT वाले हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मशीनिस्ट का जितना भी ट्रेड है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी है मैराइन इंजन फिटर, मैराइन फिटर, फिर ये सब जो कुछ भी है मैकेनिक वाले जितने भी आपका, जैसे ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, मेकाट्रॉनिक्स और TV और ये कटिंग अटेंडेंट, इसके बाद ऑपरेटर अटेंडेंट, मशीन टूल पेंटर जनरल प्लम्बर। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से सीट मेटल वर्कर, सीट मेटल वर्कर टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टूल एंड डाई मेकर, और इसके बाद टूल एंड डाई मेकर वेल्डर का जितने भी होते हैं वो सभी, वायरमैन टेलर और सिविल इंजीनियर असिस्टेंट, ये सभी लोग एलिजिबल हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ द इंडियन नेवी एब्सोल्युटली फेयर। लास्ट डेट इसका दोस्तों यहाँ पर 29 अगस्त 2022 इसका लास्ट डेट रखा गया है। ठीक, बाकी इन्होंने अपने ईमेल ID प्रोवाइड किया है, कोई डिटेल हो तो उस पर आप लोग पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यही आपका है वैकेंसी। तो अगर आप लोग इसके लिए मतलब फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग भर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर ये PDF चाहते हैं तो PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पर ही ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से सर्च करिएगा तो वहाँ पर टेलीग्राम आ जाएगा, या फिर व्हाट्सएप पे चाहते हैं तो व्हाट्सएप का ग्रुप, जो ग्रुप लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।